ऐसी की। बोलू क्या? अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर जला बैठे। हम दूसरों की जेब पे अमीरी नहीं करते। अमीरी की तो ऐसी की अपना घर जला बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। तुम कहीं और मत समझ लेना, उसके मतलब परमात्मा के घर में जा बैठे। और सच है हमारे ब्रज में तो कह दो करें, कह तो पैसा बात को, कह पैसा स्वाद को। घर में धरे धरे तो धन्ना सेठ तमाम मर गए, कोई ना पूछ रो दो पैसा को। और अगर धन हो और धर्म न किया गया हो तो उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं। धनवान वही है जो धर्मवान है, और जो धर्मवान नहीं उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं दुनिया में। तो मेरे प्यारे हो, मैं तब तक धनवान रहूंगा जब तक आप जैसे प्रेमियों की शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, तब तक धनवान रहूंगा। अच्छा चल बैठ जा, कथा के बिना फालतू की कहती है दुनिया, बैठ जा। भगवान ने चाहे तो, हाँ कल मिलेंगे, कोई बात नहीं, बैठ जा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। यहाँ कथा हो रही है, सिर्फ कथा में मन लगाओ, भगवान जी तुम्हारे सब पाप हर लेंगे। यहाँ तो सिर्फ कथा सुनो, ठीक है? तो मेरे प्यारे अब बताओ, इंसान का बच्चा बनना है कि भगवान का? किसका? जोर से बोलिए, किसका? पक्का बनना है भगवान का बच्चा? तो भगवान के बच्चे तो आप हो, तभी तो यहाँ पर आए हो मेरे प्यारे। वो सच जानने की इच्छा हुई तभी तो यहाँ आए हो। तो आइए कथाक्रम याद करें, जो क्रम आपने कल सुना उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में विवाह करते हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किए, जिसमें 8 विवाह अलग किए और 16,100 विवाह एक साथ किए। तो सुनिए, वो 8 पटरानियों का नाम रुक्मिणी, जामवंती, महामाया, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा, मित्रविंदा, नग्नजिति, सत्यभामा, ये 8 पटरानी हैं जिनके साथ भगवान ने अलग अलग विवाह किए। देखो एक और बात मैं बता दूं, जिस भी धर्म में आप जन्म लिए हो, जब तक आप अपने धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी न करो तब तक आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। सबसे पहले ट्राई करो अपने धर्म को जानने की, और जब तक तुम धर्म को नहीं जानोगे ये जीवन व्यर्थ बर्बाद करोगे, इसमें तुम्हारे हाथ आने वाला कुछ नहीं। कईयों को तो एक ही जिंदगी लगती है, खाओ कमाओ सो जाओ बच्चों को पढ़ाओ, यही जिंदगी है। अरे ये काम तो पशुओं का भाई, यू आर ईटिंग दे आर ईटिंग, यू आर स्लीपिंग दे आर स्लीपिंग, यू आर अर्निंग दे आर अर्निंग, यू हैव चिल्ड्रन दे हैव चिल्ड्रन। What is the difference between human being and animals? Nothing. है आप कथा में बैठे हो, यहां कोई पशु नहीं आया कथा सुनने, आप राधे राधे बोल रहे हो, वो राधे राधे नहीं बोल सकते। आप बैठकर भगवान का प्रसाद लेते हो, वो लोग बैठकर प्रसाद नहीं ले सकते। आप अपने माँ बाप के चरण छू सकते हो, वो नहीं छू सकते। आप मंदिर में जाके प्रिया कांजू का दर्शन कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। आप जाके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, कितने लोगों ने झाड़ू लगाई मंदिर में है देखिए, बाकी के सब धन्ना सेठ बने बैठे। तेरा भलो करे भगवान, पर जिनने भी लगाई उनके भाग खुले कि नहीं? आजकल तो साफ कोई अपना घर साफ नहीं करता, घर में भी सफाई करने वाली आती है, और जो सफाई कर रही वही कौन है पता, वो कितनी साफ शुद्ध है, वही आके लगाए गए झाड़ू। तो घर में शुद्ध व्यवचार का व्यवहार कहां रहेगा?
याद रखिए मेरे भाई बहन, अपनी रसोई हर एक माता बहन को अपने हाथ में रखनी चाहिए। रसोई शुद्ध होगी तो भोजन शुद्ध होगा, और भोजन शुद्ध हुआ तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध हुआ तो कर्म शुद्ध होगा, और कर्म शुद्ध हुआ तो फल भी शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध हो जाए। कई माता बहन तो बड़े प्यार से गुस्से में या के काजे और रोज नई नई परामटे बनाया करो, ये जी कहूं मर तो ना है, संडे वाले दिन ना ले जाऊं तो हमें बाहर घुमाए। कौन देवी जी कहू तो शिकायत करते, हमारा तो जन्म जई चकला बेलन में निकट जाएगा ना है, तेरे तो सर्कस लगवांगे भाई घुमाइयो तू। अरे भाई काय क्यों आई हो, घर जरूरी है कि घूमना जरूरी है, बोलो क्या जरूरी है? माता बहन कह रहे हूं दोनों जरूरी है महाराज, अपने अपने घर पे डिपेंड करता है। घूमने भी जाओ तो घूमने की जगह वृंदावन होनी चाहिए, डिस्को नहीं। और अगर तुम डिस्को जाओगे तो तुम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते, आई प्रॉमिस यू, तेरा ही अंश है उसमें। अगर तुम ड्रिंक करोगे तो बच्चों से उम्मीद मत करना कि वो चरण अमृत पिएगा, वो भी पिएगा, तू पी के नौकरों को डांटेगा और वो पी के तेरी छाती पे ही दाल धलेगा। दैट्स इट, जैसी करनी घूमो नो प्रॉब्लम, पर तीर्थ करो, पान करो, लेकिन भगवान का चरणामृत पान करो, मदिरा पान मत करो। जिन घरों में मदिरा आ गई है उन घरों का विनाश निश्चित है, चारित्रिक विनाश तो हो चुका, अब धन का भी विनाश हो रहा है, सेहत का भी विनाश हो रहा है। हम कहते हैं कि हम मैं पीता नहीं हूं, बस पीता हूं गम भुलाने के लिए। हम बे तेरे ही तो अंदर आए गए सबरे गम, अगर यहां में गम भुलावे की हिम्मत होती तो जब बोतल कोई गम न भूल जाती बिचारी, नहीं भूलती, बोलो। रात दिन वो पड़ी है, कभी कहीं से कहीं फेंक दी, कभी खाली तूने कर दी, फिर भर दी किसी ने उसी को, वहां को गम तो आज तक ना कटे, तेरो कटेगा तो पता ना। पी के गम किसी का नहीं मिटता मेरे भाई बहन, जो हरि का हो गया उसे कोई गम सता नहीं सकता। इसलिए गम भुलाना ही है तो हरि के बन के भुलाओ, दुनिया के बन के नहीं, नशे में गिर के नहीं। तो आप सबसे निवेदन है भगवान के बच्चे बनो, इंसान के तो कभी हम थे ही नहीं, हमारा यही अंतर है। जब घूमने का मन करे तो वृंदावन की तरफ चले आओ, भजन करने का मन करे तो जी मन जितना मन चाहे। और जो अभी भी जितने भी शिष्य यहां पर बैठे, कितने शिष्य बैठे हैं हमारे, जिनने हमसे दीक्षा ले रखी है सिर्फ वो याद उठाओ, ये इतने हैं यहां, तुम आए नहीं भाई हमसे मिलने। जो नहीं जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप सब कम से कम दो दो माला आज रात्रि में एकांत में बैठकर करना, और वो माला प्रिया कांजू के चरणों में समर्पित करना। पूछो किस लिए? इस दिव्य दर्शन महोत्सव की सफलता के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए। इतनी विशाल जनसंख्या यहां पर मौजूद है और कोई भी मिस हैपन नहीं हुआ यहां पर। अभी ये कह रही थी थोड़ा बहुत कि चोरी चकोरी, ये तो कान्हा की नगरी में आए हो प्यारे, जब तक थोड़ी बहुत जेब नहीं कटे, जब तक कहीं ते ये नहीं कटे, ऐसा लगे ही नहीं है कि हम कान्हा की नगरी में आए। कान्हा की नगरी में आए तो थोड़ा बहुत ऐसा चलता है, चैन पहन के आए क्यों, महंगा सामान लाए क्यों, फिर भी उदास होके मत जाना। क्यों? जो भी तुम्हारा कुछ चोरी वोरी हुआ हो थोड़ा बहुत, ये समझना कि ठाकुर ने तुम्हारे पापों को छुरा लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मानोगे कि नहीं मेरी बात? आज रात को अकेले में बैठकर
कोई तुम्हारे साथ ना हो। दो माला अपने मंत्र की जरूर करना, जो जाने वाले लोग हैं अगर हो सके तो आप भी घर पहुंच के ये दो माला जरूर करना, और वो दोनों माला प्रियकांत जो के श्री चरणों में समर्पित ये कह के करना कि हे ठाकुर आपने बहुत भारी कृपा की कि आपने इतना विशाल आयोजन बिना विघ्न के पूर्ण कराया, ये आपकी कृपा के बगैर संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। हमारे घर में 100 आदमी आ जाते हैं तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहां तो हजारों की नहीं, और 8 तारीख को तो है स्वीन रखवे की जगह ना आई, आप तो आए थे, क्या ढक्के कितने खाए आपने, खाए कि नहीं? बीआईपी के संग आए, ढक्का कम खाए होंगे तुमने, बहुत ढक्के पड़े थे उस दिन, मुझ में इतने ढक्के पड़े उस दिन, मुझे लग रहा था जितने ढक्के लग रहे हैं उतने पाप कट रहे अपने, तो बड़ा चकाचक आनंद उस दिन आया। तो आप सब ये दो काम, एक काम जरूर करना आज, जितने भी शिष्य हैं सबको मेरी आज्ञा है, और आज मैं भी, मुझे भी थोड़ा अकेला छोड़ देना, और मैं भी दो माला कर दो, अभी कितनी करूँगा तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन हम ठाकुर जी को आज नहीं, हम कल रात को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कल की भी जिम्मेदारी अभी हमारे और आप सबके ऊपर है और ठाकुर के ऊपर है। आप सब आज रात को ही करेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह अलग किए, 16,100 विवाह अलग किए। बहुत से नौजवान कहते हैं भगवान होकर उनको इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका दिमाग उतना नहीं है जितना भगवान की लीला क्रियाओं को आप समझ सके। पहली बात तो यह सोच लो, तुम्हारा एक विवाह है और भाई में तुम्हारी बैंड बज गई, ऐसी हालत है तुम्हारी, का कहते ना घर को रहो ना, मम्मी कहते तो तू तो बदल गो, बहू कहते कि हमारे का तो टाइम ही ना है, ना मम्मी के रहे ना बहू के रहे, कब शादी के। लेकिन माँ और पत्नी जब दोनों अच्छी हों और आप भी अच्छे हों तो ये तो बहुत बिरली कृपा होती है ठाकुर जी की, बहुत बिरली, जब ठाकुर बहुत बड़ी कृपा कर दे तब। हमसे और आपसे एक पत्नी नहीं संभलती या एक पति नहीं संभलता, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए और कभी भी एक भी पटरानी भगवान से ना प्रसन्न नहीं थी, एक भी। जबकि नारायण की लक्ष्मी लड़े, शिव की पार्वती लड़े, ब्रह्मा की ब्रह्माणी भी चैन ना लेंदे, पर कृष्ण भगवान की एक भी रानी कभी भगवान से ना खुश नहीं हुई। वजह क्या है? क्योंकि पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। पहली बात तो यह समझ लो कि भगवान ने इतने विवाह किए क्यों। एक भौमासुर नामक राक्षस था और इस राक्षस ने अनेकों राज्य की कन्याओं को अपहरण कर करके एक बंदी गृह में बंदी बना रखा था। इसने सुना था भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो इसने सोचा मैं उनसे ज्यादा करूंगा, तो 16,100 कन्या इसके यहां पर बंदी हैं। ये सब कन्याएं कर्ण रुंदन कर रही थी, देवर्षि नारद वहां से निकले, उनका प्रलाप उनका दुख जब सुना तो उन कन्याओं ने कहा हे देवर्षि आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें यहां से बंधन मुक्त आप ही करवा सकते, कोई और नहीं करवा सकता। बोले देवियों हे कन्याओं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई उपाय करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से ये संदेश जाकर देवर्षि नारद ने कहा, और भगवान श्री कृष्ण गरुण पर सवार होकर वहां पधारते हैं और उस राक्षस का वध कर देते हैं। और जब उस राक्षस का वध करते हैं तो उसके बाद मेरे प्रभु उन कन्याओं से कहते हैं हे कन्याओं अब तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। वो कन्या कहती है अब हम कहां जाएं, ध्यान से सुनना भैया, सब लोग जिनको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर डाउट है उनको जरूर सुनना चाहिए। अधिकांश हमारे भगवानों में लोग सबसे ज्यादा संदेह करते हैं श्री कृष्ण के ऊपर, और सबसे ज्यादा पूजा भी नहीं की होती,
भगवान कृष्ण से पूर्ण कोई भगवान नहीं दूसरा, ये पूर्ण भगवान है। राम जी ने सीता जी को छोड़कर किसी को प्रेम प्रदान नहीं किया, प्रेम मीन्स समझ गए, सबको मां बहन समझा, और श्री कृष्ण ने किसी को भी प्रेम के लिए मना नहीं किया, किसी को भी नहीं। आप लोग भी कृष्ण से कहीं ना कहीं, कई देवियां कन्याएं ऐसी हैं जो मीरा की तरह प्रेम करती हैं, जो कहती है वो हमारे पति, तो कृष्ण कभी मना नहीं। राम जी को कोई क्यों नहीं कहता राम जी हमारे पति, कभी सुना है आपने तो कोई कहे राम जी हमारे पति है? लेकिन कृष्ण जी के बारे में सुना है कि कृष्ण हमारे पति हैं। सच्चाई यह है कि वो 16108 का पति नहीं, वो जगत पति है, वो पूरे विश्व का पति है, वो पूरे विश्व का पति है। और आज भी कन्याएं, कई कन्या उनके नाम से मांग भरती हैं, आज भी। ये बात मैं 5000 वर्ष पहले की नहीं कर रहा हूं, आज की भी कर रहा हूं। कई कन्या तो मेरे पास आ जाती हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बोलती हैं वो। लेकिन मैं आपको कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि आप छोड़ छाड़ दो, पर मैं ये कहूंगा कि मीरा ने भी चाहे सांकेतिक ही विवाह किया था, पर किया था, क्योंकि आप रहे इस कलयुग में रहे हैं, इसलिए परिवार में रहकर ही भगवान की कठिनाइयां तो आएंगी। जब तक कठिनाई ना आए भक्ति कैसे? आपको क्या लगता है जब आप भक्ति करने जाओगे तो आपके आगे 56 भोग आ जाएंगे? सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई आरोप है स्त्रियों के लिए तो वो ये है कि वो स्त्री किसी और पुरुष से बात करती है कि नहीं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी vssct।